हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम योर होस्ट साहा शेख और आप देख सकते हैं देयर इज अ ह्यूज चेंज इन मी और वो सिर्फ आप लोगों की वजह से बिकॉज यू गाइस ऑलवेज से कि आपको धोती कुर्ते में आना चाहिए एंड एट लास्ट आज मैं धोती कुर्ते में हूँ एंड देन द होल लुक इज काइंड ऑफ यू नो पेंडू और यू कैन से जट टाइप क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी और हमेशा हम आपको बताते हैं कि व्हेन यू गाइस से समथिंग ऑन आवर पेज कि आपको ऐसा करना चाहिए और अगर एक भी कमेंट आ जाए तो हमारे लिए ऐसे ही है कि जिस तरह 5000 लोगों ने कह दिया और आज मैं पूरी लुक एक थीम पार्टी पे आया हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पार्टीज पे भी जाएंगे वहाँ फैशन दिखाएंगे ट्रेंड सेटर्स होते हैं या स्लैब्स आती हैं स्लैब्स का भी 11 नंबर होगा कोई बचेगा नहीं हमसे और यही हमारा वादा था आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की ड्रेसिंग के बारे में क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लिए किया गया है ये साल 11 नंबर का है और जो जो आप चाहेंगे वही होगा छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को तो आए मेरे साथ और करते हैं 11 नंबर जो अरसलान है इज अमंग द ट्रेंड सेटर्स इन द इंडस्ट्री व्हेनेवर आई सी हिम इज ऑल द टाइम टिप टॉप कंडीशन में होता है अरसलान अरसलान आज की जो फैशन लुक है तेरी पूरी उसके बारे में बता यार टुडे आई एम हेड टू टॉक कामया रुकनी ओके इट्स हिज लेटेस्ट कलेक्शन फॉर कुर्तास आई हैव टू शो यू द बैक बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट माय गॉड इंप्रेसिव स्टफ यू कैन सी दैट अरसलान वॉच आल्सो रियली क्लासी वॉच थैंक यू शो देखते हो हमारा अरसलान ऑफ कोर्स ऑलवेज 11 नंबर थैंक यू अरसलान बताओ कि यूथ है क्योंकि ऑब्वियसली यू गाइस आर ट्रेंड सेटर्स तो क्या मैसेज देना चाहोगे व्हेन इट कम्स टू यू नो क्लोथिंग एंड स्टाइल यार माय मैसेज इज जस्ट गो आउट देयर एक्सप्लोर व्हाट यू वांट टू वेयर within a budget be it's all possible okay. you know it's all about apna ek style create kar lo and maintain that image maintain it Very have good. fun with it you know don't be under okay. stress ke maine designer pehna hai jo bhi pehna hai okay you can see arslan is looking good aur mashallah pyara ladka bhi hai to aapko pata hai hum zyada baat nahi karte jab koi acha lag raha hai arslan jaldi se rate kar do apne aap ko 1 to 11 i have to rate myself yes then we will 1 to 11 yeah where you stand aapko lagta hai aaj ki dressing kahan hai tip top Yeah, it's Kamya Rook. okay, chale we will rate you then. Okay, thank you, Arsalan. Thank you very much. ये rating के. कैसा लग रहा है ये लड़का? आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा. इंतज़ार कैसे हो आप? ठीक ठाक. How are you? Okay, इंतज़ार is the guy behind Verve with Arsalan और इंतज़ार is again a trendsetter. हमेशा tip top रहता है. आज के ड्रेसिंग के बारे में बताओ अरसलान नवाब ही लग रहा है पूरा यार मैं आई एम वेयरिंग अमार बिलाल ओके शेरवानी बिकॉज़ हम लोग का इवेंट इज कॉल्ड इश सो वी थॉट वी डू समथिंग ईस्टर्न या एंड सो आई एम वेयरिंग अमार बिलाल टुनाइट ओके हमेशा इंतसाल टिप टॉप रहते हो यू आर फेमस फॉर योर यू नो ड्रेसिंग और इसलिए T5 में भी यू वर अंडर राइटिंग वेल जस्ट बंदा है तू मुझे जल्दी से बता कि फैशन सीन नॉर्मली क्या है तेरा किस तरह का फैशन लाइक करते हो यार वेरी डिफरेंट फ्रॉम अरसलान माय पार्टनर वी वेरी डिफरेंट ही इज रियली क्लासी एंड या इट्स आवर थिंग इज लाइक आई थिंक वो बात ही होती है जस्ट आई लाइक व्हिच इज ट्रेंडी स्टफ बट समथिंग व्हिच इज आल्सो इट स्टैंड्स आउट सो आई डोंट माइंड एक्सपेरिमेंटिंग विद कलर्स आई थिंक आई एम वेयरिंग ब्लैक नहीं नॉट रियली अबे नहीं बिल्कुल भी नहीं आई मीन यू विल सी मी इन स्टफ व्हिच इज नो प्रॉब्लम वो तो आज है नो प्रॉब्लम वो तो आज है मगर प्लानेट अर्थ से आएगा नहीं बट नॉर्मली आई एम नॉट रियली ब्रांड कॉन्शियस भाई यू आर ऑलवेज लुकिंग गुड और मैं तारीफ ही करता हूं देयर इज वन प्रॉब्लम हमेशा शूज के साथ मसला है इस साल के बिकॉज़ जब हम लोग छोटे हाइट वाले लड़के हैं तो हम लोगों के जूतों की हील बड़ी होती है इसी चक्कर में जूते बहुत लंबे हो जाते हैं यार नहीं एक्चुअली वो एक जमाना था जब बड़े हो रहे थे जब बंदा कॉन्शियस अब यू एक्सेप्ट नो आई एम नॉट वेयरिंग अ वॉच टुनाइट लाइक नहीं करता नवाब के जमाने में वॉचेस थे वेरी गुड ये बात जट जो होते हैं ऐसी घड़ियां पहनते हैं ये आज की ड्रेसिंग रिमार्केबल यू लुक रियली रिमार्केबल आज की ड्रेसिंग को रेट कर 1 टू 11 9 दो क्यों काटे बिकॉज टाइम और तो और भी अच्छा लगता ये है इंतजार का कॉन्फिडेंस क्या कहना चाहेगा यूथ को फैशन के लिए कोई टिप्स दे दे बिकॉज यू आर वेरी यू नो इन फैशन गाय और जिसको पता है कि कपड़े कैसे पहनने आई थिंक ऑलवेज एवरीबडी शुड मेक एन एफर्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अपने स्टाइल को एक्सप्लोर करना चाहिए अब छापा नहीं मानना चाहिए अंधाधुन यू हैव टू एक्सप्लोर योर ओन सेल्फ दैट्स व्हाट यू डू सी अंधाधुन मैंने किसी को छापा नहीं मारा नहीं बिल्कुल जट के अलावा थैंक यू सो मच थैंक यू की रेटिंग जरूर देखिएगा थैंक यू तो
मेरे साथ वही लड़का खड़ा है जो हमेशा मेरे शो पे आता है, आप लोगों को पता है इसका नाम उमेश। कैसे हो तुम? मैं फिट हूं, आप सुनाओ। उमेश, कोई जगह है जो तुम छोड़ते हो किसी जगह को? नहीं, शर्म नहीं आती, तुम हर जगह पहुंच जाते हो। नहीं, कभी आया? क्या बाल है, क्या बाल, वेरी गुड, काफी इंप्रेसिव है आज के हिसाब से। आप देख सकते हैं पूरा जोर लगा कर आया उमेश। उमेश, मुझे जल्दी से ये बता मेरी जान के आज की जो थीम थी, सिर्फ दो लड़के हैं पूरी पार्टी पे धोती और कुर्ते में, और जो पार्टीज होती है उसपे लेकिन यू नो मीडिया नहीं बताना चाहिए। वेरी गुड, तो आज की ड्रेसिंग आप देख सकते हैं उमेश की, नाइश खुशा धोती बिल्कुल टिप टॉप, कुर्ता थोड़ा सा मुझे लगा पेंडू पेंडू सा, और ट्राई तो पेंडू था लेकिन थोड़ा माठा पेंडू, इवन दो बाल हैं और पहना है गला। इस टाइम क्यों ऐसा रखा है ऐसी लुक के साथ? मैं लगता है स्टोरी क्यों, सोचो जरा, डिफरेंट ना, यू नो घड़ी मिसिंग थी, साथ मिलेंगे। थैंक यू उमेश, दिस वॉज उमेश, और आज टिकटॉप लग रहा था पूरी थीम के साथ। ओके, तो मेरे साथ खड़े द वेरी फेमस एंकर पर्सन ऑफ वक्त न्यूज दीस डेज, अब्दुल्ला सुल्तान। बिफोर आई स्टार्ट, देख लें ये एंकर पर्सन सारे लोग पार्टीज पे आते हैं और मैंने इनको पकड़ा है। अब्दुल्ला, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक, एंकर्स इंसान नहीं होते, उन्हें एंटरटेनमेंट का पूरा हक होता है। टीवी यू गाइस आर लाइक, वहाँ इतने बम फट गए और वहाँ ये हो गया, मैं अभी भी यहीं बैठा हूँ और अब यहाँ तुम आके ठुमके मारोगे। हम डिप्रेसिव चीजें पढ़ते हैं और देखते हैं और करते हैं कि हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का ज्यादा हक है। मुझे चांस मिला तो मैं जरूर आपको इनके ठुमके दिखाऊंगा, क्योंकि उधर तो टीवी में तो बड़े शरीफ लगते हैं। अब्दुल्ला, फैशन सीन ऑलवेज टिप टॉप, वेरी पॉश गाय, मैंने हमेशा देखा पार्टीज पे नजर आता है तो हमेशा रहते। आज थीम थी पूरी देसी, यू कैन सी मी, यू कैन सी अशर आल्सो, सब देसी। आप अकेले ही मिलिट्री मैन बन गए यार? एक्चुअली ये थोड़ा सा रॉयल थीम था, मुगल नवाब्स और वो बनना था यार, यू नो इंग्लैंड से आया। नहीं तो मैं इसको नवाब जी है, और मैंने सोचा था रॉयल रॉयल इट्स ऑल अबाउट कल्चर, हम देसी देसी कर रहे थे, तुम बिल्कुल टिप टॉप बना है, अब हमें तुम्हारे पास भी है भाई जैकेट, डार्लिंग व्हाटएवर वे आई लुक गुड, यू लुक रियली गुड। देखिए थीम के अगेंस्ट था लेकिन, बट अगेन आप देख सकते हैं अब्दुल्ला की ड्रेसिंग, द मिलिट्री जैकेट, द ट्राउजर्स आर रियली इंप्रेसिव, शूज टिप टॉप, ये है स्टाइल, ये है टिप टॉप स्टाइल। अब्दुल्ला, मुझे जल्दी से ना यूथ को, क्योंकि यू आर माशाल्लाह सेलेब, तो यूथ को बताओ कपड़ों के बारे में, क्योंकि आप लोग बताओगे तो वो लोग आप लोगों की बात सुनेंगे। जनाब ये देखिए कि आपके ऊपर जो सूट अच्छा, फिट अच्छा, मिनट हाँ। बिल्कुल न्यूज़, जनाब ये देखिए, अरे बी कैजुअल कैजुअल लोग इधर आ, कैजुअल आपके ऊपर जो सूट करते हैं आपने वो पहनना है, ये नहीं कि आज के लॉन्ग शर्ट्स हैं तो आप हाँ। इतनी सी हैं टोटल, इतनी सा साइज से और आप लॉन्ग शर्ट पहन के उसके अंदर की बोरी बन जाए, लेकिन आपको अपने ऊपर जो चीजें सूट करती है वो पहननी चाहिए, बी कॉन्फिडेंट व्हाटएवर यू वेयर, एक्सेसराइज योरसेल्फ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई प्लेन जैकेट है तो उसमें ब्रोचेस लगा लीजिए, चेन सेट कर लीजिए। वेरी गुड अब्दुल्ला, माशाल्लाह आपको काफी ज्यादा नॉलेज है फैशन के बारे में। आज की ड्रेसिंग को रेट कर दो, एक पॉइंट ध्यान में रखना है, थीम देसी थी, थीम के अगेंस्ट है, बाकी टिप टॉप है। अच्छा, रेट कर दो 1 टू 11 फॉर माय सेल्फ। जी जी, ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज 10 ऑन 10 10 ऑन 10 11 हम जरूर अब्दुल्ला को रेट करेंगे, ही इज लुकिंग रियली गुड। थैंक यू अब्दुल्ला, एंजॉय करो पार्टी।